रेड बॉल का कप्तान और होगा और व्हाइट बॉल का कप्तान और होगा। सोशल मीडिया पे तो काफी नाम है, लेकिन उस टाइम ही पता चले जब ऑफिशियली पीसीबी अनाउंस करेगा। इस तरह की न्यूज तो चलती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में अगर देखा जाए लॉबी वाला सिस्टम तो उस टाइम होता है जब आप सुपरस्टार पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में सुपरस्टार हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है जहां वो अपनी कोई लॉबी बना सकते हैं। अभी तो उनको खुद नहीं पता कि वो कौन से मैच में खेलेंगे, कौन से मैच में नहीं खेलेंगे, तो ये चीज उस टाइम चलती है। तो इसको कहना कब्जल वक्त होगा कि आप कौन सा कप्तान को कैरी करेंगे। ये अभी पीसीबी को होगा कि किसको ये जिम्मेदारी देते हैं। कोई भी अगर जिम्मेदारी कैप्टनसी की उठाता है तो फिर उस पर काफी बोझ होगा, उस पर प्रेशर भी होगा, तो उसको ये सारी चीजें साथ लेके चलना पड़ेगी। मैनेजमेंट को भी साथ लेके चलना और न्यू प्लेयर जो भी है उनको भी साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, किसी गली मोहल्ले की टीम नहीं है। आपको हर चीज देखनी पड़ती है। आपने जो डोमेस्टिक के प्लेयर है उनको भी चांस देना है, जो आपके साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी साथ लेके चलना है। इसलिए हम सालें देते हैं इंडिया की, क्योंकि उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत की है। अगर कोई प्लेयर अनफिट होता है तो वो जो पीछे आता है बेंच प्रेस से तो वो उससे भी स्ट्रॉन्ग आता है। तो ये चीज और ये एक सिस्टम होता है जिसमें सारे फिर क्या कहते हैं कि उस सिस्टम में इंजॉय करते हैं क्रिकेट को, तो हमें ये चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। ये नहीं होगा कि कोई भी इवन खराब जाए तो आप कप्तान चेंज कर दो, कोई भी जाएगा आप चार प्लेयर ड्रॉप कर दो, उसकी जगह नए ले आओ, तो हर चीज साफ हो जाएगी। जब तक हम सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे उतनी देर तक हम इस तरह के डिसीजन लेने पे वो क्या कहते हैं कि अपने आप को छुपाते रहेंगे डिसीजन लेके। कभी कप्तान ने इस्तीफा दे दिया, कभी दो प्लेयर बाहर बैठा दिए, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो इस तरह के फिर हमें क्या कहते हैं परफॉर्मेंस और प्लेयरों से इस तरह की उम्मीद फिर रखनी पड़ती है। जब आप चुपना शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम फिर आपका सिस्टम जो सामने आया था कि आपका पीछे सिस्टम क्या चल रहा है, तो इन चीजों को लेकर हमें चलना पड़ेगा। अभी देखें आगे पिछवी किसको कप्तान बनाता है और किसको ये जिम्मेदारियां देता है, वो कितने अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, ये वक्त ही बताएगा। यासर अहमद, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से दुनिया भर में देखा जाता है रेड बॉल और व्हाइट बॉल के लिए टीम मैनेजमेंट अलग होती है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस पर फोकस करना चाहिए और मजीद इस पर इकदाम करने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल, इस वक्त देखे प्लेयर्स पूल बनाने पड़ेंगे और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार कौन से प्लेयर को हम किधर खिला सकते हैं। जिस तरह अब पावर हिटिंग की बहुत ज्यादा जो है चर्चा हो गई और बहुत ज्यादा पावर हिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा आम हो रही है, ठीक है। हर टीम में दो दो तीन तीन पावर हिटर्स हैं जो गेम को एकदम अवे ले जाते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसमें, और फिर टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेहतर वाले क्रिकेटर्स जो है ना वो खेलते हैं, और जो मतलब बहुत ज्यादा डेड हमारा ये होता है कि हमारा इसलिए थोड़ा सा ये कल्चर बन गया कि यार टेस्ट मैचेस में आप 100 बॉलों पे 30 रन करें, ये मेरे ख्याल से ये नेगेटिव क्रिकेट है। बॉल टू बॉल खेलना चाहिए, 70-80 की जो स्ट्राइक रेट है वो नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट की होनी चाहिए, और वनडे की जो 100 से ऊपर जो T20 की 150 को टच करे उन्हीं प्लेयर्स को हमें फोकस करना चाहिए, उन्हीं प्लेयर्स को हमें ग्रूम करना चाहिए, और हमें जो जो आने वाले जो हमारे जो जितना भी ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हमें ये सिखाना पड़ेगा कि यार थोड़ी दिलेरी से खेलें और अपनी जो है वो गेम खेलें, ठीक है। और ये थोड़ी चीज़ें जो है इंजेक्ट करनी पड़ेंगी। विकेट पे ठहरना भी जरूरी है, साथ साथ रन करने भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर डिपार्टमेंट में है। थोड़ा स्पिनर्स में हम लैग करते हैं, तो स्पिन पिचेस बननी चाहिए और स्पिन पिचेस का पे फोकस करना चाहिए हमें। कुछ सेंटर्स को उधर स्पिन विकेट्स बनाए और वहाँ पे स्पेसिफिक हमें पता हो कि यार स्पिनर्स को, स्पिनर का दिल जब तक बड़ा नहीं होगा वो बॉल नहीं कर सकता। हमारे जो स्पिनर्स हैं वो डरते हैं फ्लाइट देते हुए और लो ट्रेजेक्टरी पे बॉल करते हुए, उनको सिर्फ एक चीज आती है कि आप तेज तेज बॉल करो। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजीद जो है हमें इकदाम करने की जरूरत होगी। पीसीबी को बहुत शुक्रिया आपका यासर अहमद हमारे साथ।